Now, I would like to invite to this platform, e-platform, Dr. Pranav Tiwari. Pranav, please put on your microphone and video. नमस्कार। Professor, Department of Psychology, Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Haridwar, Uttarakhand. Very hard worker and dynamic teacher in the Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Haridwar, Uttarakhand. He has completed his PhD on the topic Chayan Swaroop Monoyogik Antakshep ka Prayogatmak Adhayan. It means an empirical study on the effect of psychoyogic intervention on selected psychological variables of personality in young adults. Very nice topic he has chosen. We are really lucky enough to find this young dynamic personality who is right now continuing his teaching and learning process under the celestial environment in the at Haridwar in the Dev Sanskriti Vishwavidyalaya Santikunj. So Pranav, Dr. Pranav, right now the e-platform is yours. You enjoy it. Thank you very much. Namaskar to one and all present in this wonderful national webinar being organized by the Government College, Sundargarh. And it's been a really beautiful opportunity for me to be invited here to present my views and opinions over this very vibrant topic of the teaching learning process role of a teacher. When I was first approached to present my opinion over this topic, I thought that there have been very esteemed guests and speakers in this national webinar, which we have experienced so far. And their experience in the field of teaching exceeds way too much of mine. So the topic which I must choose must be related with something that reflects that part of the teaching, which connects both the teacher as well as the student. उस एस्पेक्ट की तरफ, उस पक्ष की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान इस वक्त ले जाना चाहूंगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वो सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड है। और इसकी शुरुआत जहां से हुई है वो है जब भारत की शिक्षा पद्धति को बदला गया था। और आज की डेट में जो नई एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया है, तो उससे कहीं ना कहीं उसी दिशा की ओर बढ़ने की शुरुआत हुई। आज का समय बहुत विषम है। द टाइम टूडे हैज ब्रॉट सच चैलेंजेस इन अवर इन फ्रंट ऑफ अस दैट हैज डिमोलिस्ड ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल द फ्रेमवर्क वी हैव रिगार्डिंग द टीचिंग मेथोडोलॉजीज इन अवर इंस्टीट्यूशंस। ऑफलाइन क्लासरूम इंटरेक्शन वॉज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टीचिंग फ्रेमवर्क इन अवर यूनिवर्सिटीज इन अवर इंस्टीट्यूशंस विच हैज बीन केम टू अ हॉल्ट अ सडन हॉल्ट बाय द स्प्रेड ऑफ दिस कोविड-19 and new challenges has came in front of students as well as teachers. देखिए, शिक्षक और विद्यार्थी ये दोनों ही इस प्रक्रिया से होकर के चलते हैं जहां पर की लर्निंग होती है। अगर हम शिक्षक की बात करें तो उनके द्वारा किए जाने वाला अध्यापन का कार्य और उससे लाभान्वित होने वाले, बेनिफिट होने वाले स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में जो सबसे मूलभूत चीज है, सबसे फंडामेंटल जो चीज है, जो सबसे पहले डेवलप होनी चाहिए, जहां पर फिर हम सारी टीचिंग और लर्निंग को इफेक्टिव बनाने वाली स्ट्रेटेजीज की बात कर सकते हैं, वो है एक दृढ़ भावनात्मक संबंध। जब तक ये दृढ़ता नहीं आएगी भावनात्मक संबंधों में, टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में, तब तक टीचर की बोली हुई बातें स्टूडेंट के हृदय में नहीं उतर सकती, उसे सुनाई देंगी। और हियरिंग और लिसनिंग में बहुत अंतर है। हियरिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, आप अपने आसपास की सभी बातों को सुनते हैं, लेकिन लिसनिंग जो है दैट्स अ परसेप्चुअल प्रोसेस। जो आप सुनते हैं उस पे आप मनन करते हैं, उस पे आप सोचते हैं, उस पे आप इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। सो टू गेट द स्टूडेंट ऑन दैट फेज वेयर द लर्निंग कैन बी फैसिलिटेटेड, टीचिंग इटसेल्फ इज नॉट अ लर्निंग, टीचिंग इज अ प्रोसेस बिफोर लर्निंग, इट इज अ प्रोसेस टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। So to provide it effectively to ensure the maximum learning environment for the student, which student has to get on himself, ये टीचिंग, ये लर्निंग जो है ये टीचर के माध्यम से नहीं कराई जाती, बल्कि ये अनुभव जो स्टूडेंट को होता है उसके माध्यम से होती है। तब जो वो इंफॉर्मेशन टीचर से मिली है वो ज्ञान का रूप लेती है स्टूडेंट के अपने चेतना में, स्टूडेंट के अपने विचारों में। तो ये एक स्वतः प्रक्रिया है जो जिससे स्टूडेंट को होकर के गुजरना पड़ेगा, लेकिन उस प्रक्रिया को बनाने का, उससे रिलेटेड रिसोर्सेस को लाने का,
ये जो सारा काम है ये जिसके द्वारा इफेक्टिवली किया जाता वो है टीचर। तो ये किस प्रकार से इफेक्टिवली हो सकता है, तो मैं बेसिकली जिस चीज पे आज फोकस कर रहा हूं वो है वो डेवलपमेंट ऑफ रिलेशन, जहां पर ये चीजें अपने आप स्वतः ही एक लाइन में फॉलो होने लगती है। देखिए, विद्यार्थी को कभी भी शिक्षक से सिर्फ विषय की जानकारी प्राप्त नहीं होती, उनकी अनुभव और उनकी परिपक्वता वो उसके अंतर्मन को पोषित करते हैं। इनर पर्सनैलिटी इज बीइंग रिफॉर्म्ड, इनर पर्सनैलिटी इज बीइंग नर्चर्ड। इफ द टीचर इज बीइंग ऑनेस्ट विद इट विद हिज और हर इमोशंस, विद हिज और हर एक्सपीरियंसेस, ऑनेस्ट इन हिज और हर इंटेंशंस ऑफ ब्रिंगिंग द बेस्ट टू द स्टूडेंट डेवलप्स फ्रॉम द इनसाइड, द कैरेक्टर डेवलप्स। हम बात करते हैं कि चरित्र निर्माण कैसे किया जाए स्टूडेंट्स का, उनके व्यक्तित्व को सही तरह से कैसे गढ़ा जाए, तो ये सब चीजों को करने की आवश्यकता नहीं बनती, ये चीजें स्वतः होने लग जाती है। दूसरी चीज ये कि शिक्षा में भावनात्मक जो पक्ष है उसकी महत्ता को समझना बहुत आवश्यक है। क्यों ये समझना आवश्यक है? क्योंकि शिक्षा के साथ अनुभव आता है और अनुभव से जो परिपक्वता आती है वही ज्ञान में बदलती है। Now, when we talk of academic excellence, we are talking actually of that academic maturity one attains through this process of learning. और ये जो academic maturity attain करने की बात है, ये वही है परिपक्वता है जिसकी मैं यहाँ पर बात आपसे चर्चा आपसे कर रहा हूँ। इसलिए बहुत आवश्यक है कि शिक्षा के माध्यम से जो जीवन में योगदान आएगा उसको समझा जाए। जब हम इस चीज को समझते हैं कि हम जिस प्रोसेस से होकर के जा रहे हैं उससे हमें अचीव क्या करना है, व्हेन वी आर गोल डायरेक्टेड, वी आर स्पष्ट एंड क्लियर, वी आर क्लियर एंड फोकस्ड ऑन अवर गोल, व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव, द थिंग बिकम्स रियली इजी, वी डू नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम अवर पाथ। तो ये अगर देखा जाए तो किसी भी तरह की शिक्षा फ्रॉम व्हाटएवर फील्ड इट इज, कोई भी विषय क्यों ना हो, कोई भी डिसिप्लिन क्यों ना हो, कितना भी टेक्निकल क्यों ना हो, लेकिन उसका महत्व तभी तक है जब तक वो जीवन में बदलाव लाने में सक्षम है। अगर आपके द्वारा दी जा रही शिक्षा, आपके द्वारा दी जा रही जानकारी और उससे प्राप्त हो रहा अनुभव आपके स्टूडेंट में बदलाव लाने में सक्षम नहीं है, तो वैसी स्थिति में वह शिक्षा प्रभावशाली नहीं हो सकती। हम चाहे कितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स में बात करें, स्ट्रेटजीज की बात करें, लेकिन जब तक हम उस आधार को, उस बैकग्राउंड को, उस प्लेटफॉर्म को डेवलप नहीं करते जहां पर वो चीजें नर्चर होती है, जहां पर वो चीजें ग्रो होती है, एंड वी हैव टू कीप इन माइंड दैट टीचिंग एंड लर्निंग आर कोरिलेटेड, दे विल गो ऑन साइड बाय साइड, एक साथ वो चीजें होनी है, वन इफेक्ट्स द अदर थिंग। तो इसलिए उस बैकग्राउंड को डेवलप करने की बहुत जरूरत है जो कि भावनात्मक आधार पर हो सकता है, इमोशनल बींग पर हो सकता है। अब जैसे आज इस विषय की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, आज हमें इतने वर्ष के शैक्षणिक विकास के बाद, एजुकेशनल डेवलपमेंट के बाद, 24 इयर्स लेटर व्हाई वी नीड टू चेंज अवर एजुकेशन पॉलिसी, व्हाई वी नीड टू टॉक ऑन द इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, क्यों? क्योंकि ये बात कोई एक्सेप्ट करे चाहे ना करे, बट इट इज इन द सेंटर दैट आवर टीचिंग स्ट्रेटजीज और आवर टीचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैज गॉन टोटली मैकेनिकल प्रोसेस, एंड थ्रू मैकेनिकल प्रोसेस यू कैन नॉट अचीव द एकेडमिक एक्सलेंस, बिकॉज टीचिंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव बेस्ड, इट इज अ सब्जेक्टिव प्रोसेस, लर्निंग इज अ सब्जेक्टिव प्रोसेस। आप कैन नॉट गारंटी एनीवन्स लर्निंग, किसी के भी लर्निंग को, किसी के भी, आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस स्टूडेंट को ये चीज सिखा दूंगा, वो चीज उसे खुद सीखनी पड़ेगी। हाँ, आप उसके अनुभव में जरूर सहायक हो सकते हैं, बट दैट लर्निंग हैज टू बी डन बाय द स्टूडेंट इटसेल्फ, एंड दैट्स व्हाई लर्निंग इट इज नॉट अ मैकेनिकल प्रोसेस, टीचिंग इज नॉट अ मैकेनिकल प्रोसेस, बिकॉज लर्निंग इज अ सब्जेक्टिव प्रोसेस, इट गेट्स इफेक्टेड बाय सेवरल अदर थिंग्स। आई विल मेक यू क्लियर दिस पॉइंट a little more by presenting some of the points in the presentation I have prepared for this webinar. Look, teaching is basically a process of passing information, but in doing so attending to their needs, experiences and feelings. This is a very important thing ki hum unke avashyaktaon ko samjhein jo ki psychological needs bhi hoti hain, emotional needs bhi hoti hain, उनके जो अनुभव है वो उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि एक टीचर के अनुभव है सिखाने के लिए, उतने ही महत्वपूर्ण अनुभव स्टूडेंट्स के लिए सीखने की प्रोसेस में, और उनकी भावनाएं, उनकी फीलिंग्स, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है।
इन चीजों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये चीजें होती है तभी ऑप्टिमम लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि ऑप्टिमम लर्निंग होगी, बल्कि ये कहा जा रहा है कि लर्निंग एनवायरनमेंट टू इट्स ऑप्टिमम लेवल कैन बी क्रिएटेड फॉर देम वेयर दे कुड बी बेनिफिटेड एंड कैन एंश्योर देयर लर्निंग प्रोसेस टू बी मोस्ट इफेक्टिव। नाउ सेकंड चीज जो यहाँ पर है दैट हाउ वी कैन अचीव दिस, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स विद विच दे आर सिटिंग इन द क्लासरूम। It is not just a group of people that we are going and lecturing, but it is the most important thing that we must understand that with what requirements, what needs, what necessities those students are sitting there, and that cannot be limited or can be confined to the academic needs only. That has a vast area. The student sees in his teacher as a mentor, a role model. He tries to find out a role model because he is himself going through the identity crisis. The age when the college students enroll in the classroom programs, वो एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर उन्हें खुद अपनी एक पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना होता है, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनके मन में उनकी जो साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करती हैं कि वो अपनी एक खुद की स्वतंत्र पहचान समाज में बना सके, और इस चीज के लिए वो अपने टीचर की हेल्प लेना चाहते हैं। और वो हेल्प कैसे होती है, यदि टीचर इस चीज से अपरिचित भी हैं, इस चीज से अनभिज्ञ हैं, उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स के द्वारा अपने टीचर को कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट किया जाता है। When you are evaluating your classroom, your students are also evaluating you. And when this thing is happening, they are trying to find out those traits which can help them building up their personality. तो ये चीज कहाँ पर होती है? ये चीज वहाँ पर होती है जहाँ पर भावनात्मक संबंध को प्रगाढ़ किया जा सकता है, जहाँ पर स्टूडेंट और टीचर के बीच की जो दूरी है उसको कम किया जा सकता है। अब आज की जो शिक्षा पद्धति अगर इसके करेक्टरिस्टिक्स को देखा जाए, इस संबंध में बहुत विद्वतापूर्ण बातें यहाँ पर रखी गई जिनसे वाकई में जो है मेरा भी ज्ञान संवर्धन हुआ है, तो अगर उन चीजों को ध्यान में रख करके कंक्लूजन में पहुंचने की कोशिश किया जाए तो आज की जो शिक्षा पद्धति है वो विषय संबंधी यानी कि कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो बहुत अच्छे से प्रोवाइड करा सकती है, लेकिन जो एक इमोशनल फुलफिलमेंट होता है स्टूडेंट का, विच कैन बी डन ओनली थ्रू द टीचर, इमोशनल फुलफिलमेंट सिर्फ एक शिक्षक के माध्यम से ही हो सकता है अगर वो सही तरीके से हो रहा है, तो उस चीज को प्रोवाइड कराने में हमारी आज की टीचिंग स्ट्रेटेजी, हमारा आज का टीचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबल नहीं है, और यही कारण है कि जो स्टूडेंट्स निकलते हैं वो अपने अंदर एक इमोशनल लैकिंग को लेकर के निकलते हैं। द अफेक्शन कोर ऑफ द स्टूडेंट इज नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड और टच्ड बाय द टीचर एंड दे गो अलोंग विद दैट डेफिसिट इन देयर इमोशंस। और जब वही स्टूडेंट कल जाकर के एकेडमिक्स में आएगा, टीचर बनेगा, तो वो जब अपनी शिक्षा अपने स्टूडेंट्स को देने का प्रयास करेगा, ही विल कंटिन्यूअसली फील समथिंग लैकिंग इनसाइड एंड द सेटिस्फेक्शन व्हिच इज द फॉरमोस्ट थिंग ऑफ द ह्यूमन लाइफ दैट मस्ट बी एक्वायर्ड, दैट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ दैट वी वांट टू गेट सेटिस्फाइड, वी वांट टू गेट सेटिस्फाइड विद द फील दैट वी हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग टू द सोसाइटी व्हिच हैज डन सम वेरी गुड थिंग इन द सोसाइटी, वी हैव गिवन समथिंग बैक टू आवर अपकमिंग जनरेशन। वो सेटिस्फेक्शन अगर नहीं प्राप्त किया गया, वी कैन नॉट फाइंड द मीनिंगफुलनेस इन अवर लाइफ। तो अगर देखा जाए तो जहां एक तरह से स्टूडेंट टीचर पर निर्भर कर रहा है शिक्षा के लिए, ज्ञान के सही प्रोसेस के लिए, जिसको हम अभी इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं, टीचर भी रिलाई करता है स्टूडेंट के ऊपर उस संतुष्टि के लिए, उस सेटिस्फेक्शन के लिए जो कि उसको अपने ज्ञान को दे करके, अपने सीखी हुई चीजें, अपने अनुभव को समाज के साथ शेयर करके प्राप्त होता है। वहां पर उसके जीवन की सार्थकता बनती है, वहां पर उसके जीवन की अर्थपूर्णता बनती है। इसलिए यह अर्थपूर्णता बहुत आवश्यक है। ये कब बनती है? देखिए, जब शिक्षक अभिभावक के रूप में, मित्र के रूप में, संरक्षक के रूप में सामने होता है, तब उसकी बातें हृदय की गहराइयों में उतरती है। तब छात्र उसे एज अ टीचर नहीं देखते हैं, तब स्टूडेंट गेट्स कनेक्टेड विद हिम, दे फील बिलोंग टू हिम, दे गेट्स एसोसिएटेड विद द टीचर। And when this relationship between the student and the teacher develops, वहां पर असली लर्निंग होती है, क्योंकि बोली गई हर बात मन में नहीं जा रही होती है, हृदय में उतर रही होती है। हर अनुभव जो शिक्षक के द्वारा बताया जा रहा होता है, हर चीज जो उसके द्वारा की जा रही होती है, जहां पर कि शिक्षक अपने जीवन के अनुभवों से अपने स्टूडेंट्स को नर्चर करने का प्रयास करता है, तो वो एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है। वन थिंग यू मस्ट ऑल हैव रियलाइज्ड इन सो
much long time of your experience in the field of teaching, that students are very generous and kind beings. उनका हृदय बड़ा होता है अगर टीचर उनको किसी प्रकार से अप्रोच करता है, जहां पर उनके साथ एक मधुर संबंध बनाने की बात होती है, जहां पर टीचर उनको अपना मान करके उनके साथ अपने जीवन के अनुभवों को शेयर करते हुए, दे मे नॉट बी अटेंटिव बट दे हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर सच काइंड ऑफ टीचर्स. आप एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, आप अगर कुछ सेकंड के लिए अपने अतीत में जाएं, गो इनटू योर फ्लैशबैक और ऐसे टीचरों को याद करने की कोशिश करें जिन्होंने स्कूल से लेकर के अभी तक आपको पढ़ाया हो, आपके मन में वो टीचर्स आएंगे जिन्होंने आपके जीवन के पहलुओं को छुड़वा था अपनी बातों से, जिनकी स्माइल, जिनकी कही हुई बातों में आपको सांत्वना मिली, जिनकी कही हुई बातों में आपको वह पक्ष मिला था जिसकी पूर्ति बाकी और कोई नहीं कर पा रहा था, जिन्होंने बिना किसी आपके कहे ही, बिना आपके कहे, बिना आपके आवश्यकता जताए ही आपके भावनात्मक उस पक्ष को छू दिया था, जहां पर एकदम से आपको फील हुआ कि अगर मेरे को इनके साथ समय, स्कूल से ज्यादा और थोड़ा समय बिताने का मौका मिलता. ऐसे टीचर हमारे हृदय में रहते हैं, इसलिए जब भी हम याद करने की कोशिश करते हैं तो उनके इमेज हमारे सामने आ जाते हैं. तो कंटेंट प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हम अपने जो टीचिंग है उसमें इंफॉर्मेशन को कैसे पास कर रहे हैं, कंटेंट कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज, वो ये है कि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके कोर को, उनके इमोशंस को कितना टच कर पा रहे हैं.